आप देख रहे हैं सी टेन न्यूज, मैं हूं भरवाईलाल कुशवाहा। देखते हैं कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद के सुकुहाबाद नगर के पक्का तालाब निवासी एक व्यक्ति ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक सिपाही के रुपयों से भरा पर्स और जरूरी दस्तावेज वापस लौटा दिए। दुकानदार की इस ईमानदारी से लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सोमवार को पक्का तालाब निवासी रामवीर सिंह ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। चपारा थाना जसराना निवासी सिपाही योगेंद्र सिंह रविवार दोपहर को बाजार आया हुआ था कि तभी पक्का तालाब पर उसका पर्स गिर पड़ा। उसके पर्स में रखे 7000 रुपये और ATM पैन कार्ड के अलावा जरूरी कागजात थी। वहीं पक्का तालाब पर लकड़ी की दुकान करने वाले रामवीर को सड़क पर पर्स पड़ा मिला। उसने पर्स में रखे उसके आई कार्ड पर पड़े फोन नंबर से बातचीत की और बताया कि उसका पर्स मेरे पास है। सोमवार सुबह सिपाही योगेंद्र अपना पर्स वापस लेने के लिए आ गया। उसके पर्स में पूरे पैसे मिले। वहीं सिपाही ने दुकानदार से बात करते हुए कहा कि आमतौर पर खोया हुआ पर्स और उसने रखे रुपये का मिल पाना असंभव सा लगता है, लेकिन इंसान यदि नेक दिल और अच्छी नीयत वाला हो तो संभव है। पर्स के मिल जाने पर पुलिस के जवान योगेंद्र सिंह ने रामवीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। तो देखते रहिए विकास पालीवाल की एक खास रिपोर्ट। क्या हुआ है मामला? सर मैं कांस्टेबल हूँ, अभी वर्तमान में तैनात फतेहगढ़ में हूँ। मैं छुट्टी आया था घर, तो सुकुआबाद थोड़ा शॉपिंग करने चक्कर में आया था, तो मेरा पर्स गिर गया और जो उसमें मेरे ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, आई कार्ड था मेरा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। अगर किसी गरीब व्यक्ति को मिला जिन्होंने मुझे फ़ोन करके और मेरा पर्स मेरे पास आया भी थे उसमें जी। और आज भी मतलब ईमानदारी, आज के ज़माने में मतलब लोग हैं जिन्होंने मुझे और